हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज की इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को फोर फोल्ड करके बिछा लेना है। जितनी भी आपकी कुर्ती का साइज है उसके हिसाब से कपड़े को फोर परत में बिछा लेना है। जितना भी फिटिंग का साइज है उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा लेके तब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब ऊपर की साइड से एक सीधी लाइन खींचेंगे कपड़े को इकसार करने के लिए और फिर आधे इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे हम। तो यहाँ से आधे इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये तो हमने कपड़ा सीधा करने के लिए लिया है, अब आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे, उस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से इस लाइन को भी सीधा करेंगे। अब लगाएंगे नेक के लिए निशान। नेक की चौड़ाई हम नॉर्मल सभी साइज में 3 इंच लेते हैं, और अगर बैक नेक आप डीप बना रहे हो तो तीरा लीजिए 3 इंच, और आप बैक नेक शॉर्ट बना रहे हो तो तीरा ले लीजिए 3.5 इंच। तीरा हमेशा हम बैक नेक के हिसाब से बनाते हैं। अगर हम बैक नेक छोटा बना रहे हैं तो तीरा हम ज़्यादा लेंगे, बैक नेक अगर हम बड़ा बना रहे हैं तो तीरा हम थोड़ा कम लेंगे। अगर आपको बैक नेक 8 इंच या 7 इंच बनाना है तो तीरा आप 3 इंच ले लीजिए। अगर आपको बैक नेक 4 इंच या 5 इंच बनाना है तो तीरा आप 3.5 इंच ले लीजिए। मैं यहाँ पर रखूँगी 3.5 इंच, बैक नेक मुझे रखना है 4 इंच। 3.5 इंच हमने तीरा ले लिया है। अब आर्मोल की लंबाई का निशान लगाएंगे। आर्मोल हम सभी साइज में लेते हैं 7 इंच। 7 इंच आर्मोल सभी साइज़ के लिए वैसे फिट रहता है। अगर आपका ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो आप 7.5 इंच ले लीजिए। 7.5 से ज़्यादा तीरा हम नहीं लेते हैं। अगर आपका 50 इंच तक भी फिटिंग का साइज़ है तो आप 7.5 ले सकते हो। अब लगाएंगे नेक के लिए निशान। तो नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच, चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। नेक आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लंबाई चौड़ाई जितना आपको नेक पसंद हो उस हिसाब से नेक रख लीजिए। अब लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो जितना भी आपकी फिटिंग का साइज है उसका 1/4 भाग यहाँ पर लेके निशान लगा लीजिए। तो मैंने लगा लिया है 9.5 इंच पे, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम जहाँ पे चाक खोलते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। तो उसकी लंबाई मैं रखूँगी 13.5 इंच। तो यहाँ पर 13.5-14.15 तक आप रख सकते हो। चाक की लंबाई जितना आपको रखना हो उतना निशान लगा लीजिए, और बीच में सभी की फिटिंग के लिए 7 इंच में निशान लगाते हैं। और जितना भी आपकी बीच से फिटिंग का साइज है उसका 1/4 भाग लेके निशान लगा लीजिए, और उसमें 2 इंच और आगे बढ़ा के मार्जिन ले लीजिए। तो ये हो गया हमारी फिटिंग का निशान, और आगे हमने ये मार्जिन ले लिया है 2 इंच। अब इसी तरीके से नीचे से कमर का निशान लगाएंगे जितने भी हमारी कमर का साइज है, और 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा मार्जिन। अब इन तीनों निशानों को इस तरीके से शेप डालते हुए मिला लेंगे। तो अभी जहाँ पे हमें कटिंग करनी है मैं वहीं पर निशान लगा रही हूँ। जो हमारे फिटिंग का निशान है वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि कुर्ती सीधी साइड से रखी हुई है, उल्टी साइड से बाद में हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अगर आपने कुर्ती उल्टी रखी हुई है कटिंग करते टाइम तो आप पहले भी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो ये देखिए, करीब 2.5 इंच नीचे यहाँ से शुरू करेंगे हम लगाना, और जहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ तक मिलाएंगे। आगे जो हमारा मार्जिन है उसे हम खाली छोड़ेंगे, वहाँ पे हम कोई शेप नहीं डालेंगे, उसे सीधा कट करेंगे। शेप हम यहाँ तक डालेंगे बस। अब 1/2 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाएंगे। ये हम फ्रंट साइड के आर्मोल की शेप डालने के लिए लगाएंगे, और ऊपर से इस तरीके से तिरछा लेते हुए मिला लेंगे। यहाँ से डालेंगे फ्रंट आर्मोल की शेप, तो हल्की सी इस तरीके से लेते हुए शेप डाल लेंगे। तो ये शेप हमें इस तरीके से डालनी है 1/2 इंच अंदर की साइड लेके। अब उसके बाद 1/2 इंच ऊपर से एक निशान लगाएंगे हम, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। इस निशान को लगाने से क्या होता है, आपकी कुर्ती कभी भी कंधे से गिरेगी नहीं। आपका कितना भी बड़ा गला हो बिल्कुल भी गला उतरेगा नहीं कंधे से, बिल्कुल फिट रहेगा। और इसी तरीके से जो हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगा रखा है उस पर भी ये निशान तिरछा लेके मिला लेंगे। ये 1/2 इंच हम बैक को थोड़ा बड़ा रखते हैं और फ्रंट को 1/2 इंच कम रखते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे बैक साइड के लिए। अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंच और लंबाई रखूँगी 4 इंच। चौड़ाई तो हम सेम ही लेते हैं, लेकिन लंबाई आपको जितनी भी लेनी हो उतनी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 4 इंच लंबाई ले रही हूँ बैक नेक की। अगर मैं यहाँ पे बैक नेक डीप बनाती तो तीरा हम लेते 3 इंच। अब लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उसका निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगाने के बाद 2-3 इंच जितना भी आपको मार्जिन लेना हो फोल्डिंग के लिए उतना मार्जिन लेके इन लाइनों को सीधा कर लेना है। तो यहाँ से इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब जितनी भी हमारी कमर का साइज है उसको नापेंगे हम।
अगर आपको चौड़े पर्दे बनाने हैं तो उसके लिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल पर्दे रखने हैं तो 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगा लीजिए। मैं यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के ही निशान लगाऊंगी। अगर आपको थोड़े चौड़े पर्दे रखने हैं तो उसके लिए आप 1/2 इंच और बढ़ा के लगा सकते हो, मतलब कि पूरा 1 इंच बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, अगर आपको बड़े रखने हैं तो यहाँ पर आपको आगे निशान लगाना है, अगर नॉर्मल रखने हैं तो 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगा लीजिए। आप इस लाइन को मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फुल कुर्ती की मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग मैं नीचे की साइड से कर रही हूँ, वैसे कटिंग ऊपर की साइड से करनी चाहिए। मैं अभी ऐसे ही यहाँ पे नीचे से इतना करके फिर ऊपर से कर लूँगी। तो चलिए, ऊपर से हमने जो बैक के लिए निशान लगाया पहले उस पर कटिंग करेंगे और बैक आर्मोल में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक आर्मोल है, इसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। और यहाँ से साइड में 1/2 इंच के करीब एक कट लगा लेंगे। और अब कर लेंगे बैक नेक की कटिंग। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस कपड़े को निकालना है, बीच वाली परत को निकाल लेंगे, जो हमारी बैक साइड है उसको यहाँ से निकालेंगे अभी। तो बैक साइड की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से कपड़े को मिला के रखना है और इसके आर्मोल की कटिंग कर लेंगे पहले। तो फ्रंट साइड के आर्मोल की हमने यहाँ पर निशान लगाया है, बिल्कुल उस निशान के ऊपर से ही हमें कटिंग कर लेनी है। और अब नीचे की साइड से पर्दे पर जो हमने मार्जिन लिया है, 3 इंच जो हमने मार्जिन लिया है, यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम बाद में कुर्ती को फोल्ड करेंगे तो आसानी से फोल्ड हो जाएगी, बार बार नापना नहीं पड़ेगा। तो ये कट लगाना भी ज़रूरी होता है, आसानी होती है सिलने में कुर्ती को। यहीं से फोल्ड कर लेंगे, बार बार नापेंगे नहीं अब। और बैक साइड को हम 1/2 इंच ज़्यादा रखते हैं, फ्रंट साइड को हम 1/2 इंच कम रखते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके आर्मोल की शेप होती है बिल्कुल बराबर आती है। अगर हम ऐसे कट नहीं करेंगे ना फ्रंट साइड को, तो क्या होगा, हमारे जो फ्रंट आर्मोल है वो थोड़ा बड़ा रहेगा और बैक आर्मोल थोड़ा छोटा रहेगा, तो जो बाजू की बीच वाला निशान होता है बिल्कुल फिट नहीं आता है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू के लिए हम 4 प्रत में कपड़े को रखेंगे और मैं करूँगी इसमें पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग। तो उसकी कटिंग में थोड़ा सा चेंज करना होता है हमें। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, जहाँ पे हमने लंबाई लेनी है वहाँ पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितनी लंबाई रखनी है। लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें 3 इंच नीचे एक निशान लगाना है। तो 3 इंच नीचे हम लगाएंगे आर्मोल की शेप डालने के लिए। इस लाइन को सीधा करने के बाद अब हम लगाएंगे आर्मोल की शेप का निशान। तो जितनी भी आपकी आर्मोल का साइज है उतना निशान लगा लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल स्लीव्स का निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल स्लीव्स का। तो नीचे से जितनी भी हमारी मोरी का साइज है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इस लाइन को मिला लेंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग, जो अम्ब्रेला स्लीव्स होती है हल्की सी नीचे से, तो उसके लिए निशान लगाऊंगी 10 इंच पर निशान लगा के, और इसको हल्की सी शेप देते हुए मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हल्की सी शेप देते हुए और आधी जहाँ तक हमारी बाजू का हाफ साइज है वहाँ तक मिला लेना है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब ऊपर से आर्मोल की शेप डाल लेंगे। तो आर्मोल के ऊपर से शेप नॉर्मल डालेंगे, जैसे नॉर्मल स्लीव्स में डालते हैं, फ्रंट साइड के लिए डाउन दे देंगे इस तरीके से। और अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको नॉर्मल स्लीव्स रखनी है तो जो हमने सीधी लाइन बनाई उस पर कटिंग कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से पाकिस्तानी स्लीव्स बनानी है तो उसके लिए आप जो हमने बाद में शेप डाली है उस पर कटिंग कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अब हम डालेंगे फ्रंट साइड की शेप। तो उसके लिए हम 2 परत को उठाएंगे ऊपर वाली को और इसमें कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमारी फुल कुर्ती की कटिंग हुई है कंप्लीट। अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।